आज तो रोजा बहुत लगता है। चलो बन गया ना आपके पसंद का जामे शीरी। इनको जी जामे शीरी बहुत पसंद है। अभी शुरू हुआ, पहले तो नहीं था पता। अभी अपने कबाबों को निकाल लेते हैं। ये बहुत जबरदस्त हमारा जो मटर पुलाव बना है, ऐ तो खिला रो। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल हेल्थ जैसे है। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल हेल्थ जैसे होंगे। तो भैया दोपहर के हो चुके हैं जी दो, तो आज मौसम बहुत अच्छा है और कड़ाके का धूप निकली हुई है और रोज़ा भी है जी माशाल्लाह सबका घर में, तो अफ्तारी भी बनानी है और बहुत सारा जो काम है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी आपके साथ मौसम शेयर करते हैं और फिर जी आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। ये देखें जी, सूरज जो है बिल्कुल आसमान के ऊपर है और ये धूप देखें जी कितनी ज़्यादा निकली हुई है। इस तरह लग रहा है कि आज बहुत खूब रोशन दिन है और हर तरफ धूप ही धूप है, छाँव का नामो निशानी है। गर्मियाँ लग रही हैं जी, इस तरह शो हो रहा है जी आज गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और इधर देखें जी, बाजी मीना बैठी हुई है, ये जी आलू की कटिंग कर रही है, अभी छिलके उतार रही है। ये जी बाजी जो है वो आलू की कटिंग कर रही है और इधर दूसरी बाजी जो है वो प्याज की कटिंग कर रही है। आज जी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनने वाली है जी। कीमा और क्या बनना है बाजी आज? कीमे दी को बनावा दे कोई कबाब शबाब? कबाब, आलू। हाँ जी, आलू कीमे वाले। ये देखें जी, मैंने ही बोला है बाजी को कि अभी फ़िलहाल तो प्याज और आलू की कटिंग करें और उसमें कीमा मिक्स करके कोई रेसिपी बनाते हैं, जो भी बन गई। हाँ, आलू मटर और ये मटर वाले चावल। हाँ जी, ये बाजी जी मटर निकालने लगी हैं इधर देखें, और आज बनेंगे मटरों वाले साथ फिर चावल, मटरों वाला पुलाव बनाएंगे। चलो जी, सारी चीज़ें जो है वो पहले कटिंग करते हैं और मटर वगैरह भी जी निकल आएंगे तो प्याज वगैरह की भी जी कटिंग हो जाती है, तो फिर देखते हैं क्या आगे क्या क्या बनता है, तो फिर आपके साथ 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 जी शेयर करते हैं। ये देखिए जी, आलू के छिलके उतार लिए ऊपर से, अब इसको करते हैं जी वॉश और फिर करेंगे जिसको कद्दूकस। आप इसको करते हैं जी कद्दूकस। ये देखिए जी, आलू जो है वो कद्दूकस हो चुके हैं और आलू थे जी हमारे 1 किलो। अब इसमें से जी पानी निकालेंगे और ये है जी हमारे प्याज और अब इसको जी कद्दूकस करेंगे। तो अभी भाई ये देखें जी, हमारे आलू भी जी वो कद्दूकस हो चुके हैं और हमारे प्याज भी जी कद्दूकस हो चुके हैं। तो ये जी मैंने एक कपड़ा लिया है मालमाल का, उसमें जी मैंने ये रख लिए है आलू और इसमें जी हम निकाल लेंगे जी इस तरह पानी खुश कर लेंगे। तो अभी भाई ये है जी आलू प्याज और ये है जी कीमा, बीफ कीमा है जी हमारा। तो इन चीज़ों का जी आप करेंगे मिक्स, इनका जी पानी हमने अच्छी तरह निकाल लिया है, सब चीज़ों को जी हम अच्छी तरह मैश करेंगे। तो अभी बस इनको जी मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया है, कीमा आलू और प्याज को, जिसको जी हमने कद्दूकस किया उनका, और अब इसमें जी डालेंगे हम अपने मसाला जार। और ये है जी पुदीना, इसको जी हमने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, इसको डालते हैं। और ये है जी सब धनिया,
हमारा जी बीफ कीमा है 1 किलो और आलू है जी हमारे 1 किलो और प्याज है जी हमारे 3 अदद और ये सब्ज मिर्ची है जी हमारे तकरीबन 10 अदद। इनको भी जी हमने इस पर बारीक बारीक काट कर लिया। अब इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच नमक, बल्कि जी 2 नमक के वो चम्मच डाल लेते हैं, और ये मोटी मिर्च है जी दादर 1 चम्मच, 1 चम्मच है जी सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच डालेंगे जी गर्म मसाला पिसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच डालेंगे जी पिसी हुई सुर्ख मिर्च। अब इसे करेंगे जी अच्छी तरह हाथों से मिक्स। तो भी बस आप डालेंगे जी इसमें कॉर्नफ्लोर, जी मैंने कॉर्नफ्लोर डाल लिया 3 चम्मच जी मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया। तो बस अब मैंने इसमें डाल दिया जी 1 अदद अंडा और अब इसको भी जी करेंगे जी मिक्स अच्छी तरह। तो बस ये देखिए जी हमारा मिक्सर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बनाएंगे जी हम छोटे छोटे कटलेट्स पीस, कबाब, जो भी जी आप मुनासिब समझे कह सकते हैं। तो भी ये देखिए जी ये हमारे कबाब बन चुके हैं माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त कबाब बने हैं जी। अब इनको रखते हैं जी फ्रीजर में और फिर जी बाकी की बात रेसिपी क्या बनेगी, चावल मटर वाला पुलाव जी। फिलहाल जी इसको रखते हैं फ्रीजर में। तकरीबन जी 1/2 घंटे के बाद जी फिर इसको निकालेंगे और फिर फ्राई करेंगे। बस यहाँ पे जी हम कर रहे हैं चावलों की तैयारी। बाजी ने जेबे भी चावल निकाले हैं, साफ करके जिनको वाश करते हैं, और मैं यहाँ पे जी वो प्याज वगैरह जो है उनकी कटिंग कर लेती हूँ। तो उसके बाद जी सारी तैयारी करके तो फिर चलते हैं जी चूल्हे के पास और उसकी करते हैं जी सेटिंग। जी यहाँ पे करेंगे जी चावल वाश, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी चावल। तो भी बस सबसे पहले जी करते हैं चूल्हे की सेटिंग। तो भी बस जल्दी जल्दी जी फ्लेम को ऑन करते हैं और यहाँ पे जी मैंने मटर पुलाव की सारी रेसिपी का सामान रख लिया है। फिर डालते हैं जी 1 बड़ा चम्मच घी, क्योंकि आज हमारे चावल है जी 1 किलो। बस घी हमारा गर्म हो चुका है जी, और जल्दी जल्दी डालते हैं मैं इसमें 1 अदद प्याज। प्याज हल्के से फ्राई होते हैं तो बाजी भाभी जी वो रायता जो है वो बनाएंगे, उसके लिए चटनी को ग्राइंड कर रही है, वो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, साथ साथ हमारा रायता भी बन जाएगा। तो भी प्याज हमारी जी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। डालेंगे जी इसमें टमाटर 4 अदद।
टमाटर जी हमारे गल चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं जी, थोड़े थोड़े और इसमें डालते हैं सब मिर्चे तकरीबन 5 मिनट। अब डालेंगे जी इसके अंदर मसाला जार, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मोटी मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। तो अभी मैं ये देखें जी हमारा मसाला भी है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जी मटर, मटर है जी हमारे 1.5 किलो। हमारे जी मटर जो है वो फ्राई हो चुके हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट जी मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह। मटरों को आप डालते हैं इसमें पानी 1 किलो और ये 2 किलो। तो अभी बस अब देते हैं इसके ऊपर ढककर और बॉयल आने का इंतजार करते हैं। जब तक ये पानी को बॉयल आता है हम जी ये कबाब जो है वो बाहर निकाल कर रखते हैं और इनको जी करते हैं स्टार्ट फ्राई करना। तो ये देखें जी ये मैंने इधर कबाब और फ्राई पैन रख दिया और बाजी ने जी चम्मच निकाल ली, इनको वाश करके ले आए जल्दी जल्दी। बाजी बाजी बनाएगी जी कबाब। और ये जी बैठ गई हैं बाजी, चूल्हे को जी ऑन करते हैं सबसे पहले। चलें जी डालते हैं जी इसमें घी। तो मैं ये देखें जी चावलों को सॉरी पानी को जी उबाल आ चुका है तो अब इसमें डालेंगे जी चावल। और ये देखें जी व्यूअर्स मैंने जी मटर डाल दिए हैं, अभी पानी को उबाल आ रहा है फिर दम लगेगा तो उस वक्त तक जी हमारा घी गर्म हो चुका है भाजी। हाँ जी इसमें जी हमने घी डाल ली है तकरीबन जी 2 प्याली। तो अब इसमें हम डालेंगे जी अपने कबाब, ये जी कटलस कह लें कबाब कह लें कीमे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी घी जो है वो हल्का हल्का गर्म हुआ है और मैं ले आती हूँ जी इधर से तवा, वो लगाना है जी दम। ये है जी हमारा तवा दम वाला, इसको जी लेकर चलते हैं चूल्हे के पास। चलो जी ये जी बाजी को पकड़ा देते हैं अभी फिलहाल उधर रखे। तो मैं ये देखे जी 5:06 हो चुके हैं। अब हमने जी अपनी स्पीड जो है वो ज़रा तेज़ कर ली है, साथ साथ चावल ही बनेंगे साथ साथ ये हमारे कबाब भी बनेंगे और अभी रायता बस उसकी चटनी बना दी है ना बाजी। चले थोड़े से काम रह गए बस जी, आज हमारी ये वाले काम है जी ज़्यादा। और ये देखें जी बाजी ने चम्मच चलाया इधर सा जी और इसको आप लगाते हैं दम। डालेंगे जी इसमें मिक्स गरम मसाला साबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारी सब मिर्चें तकरीबन 6 अदद, इसको जी हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब जी इनकी साइड चेंज करेंगे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं जी इनको फ्राई करते हुए। ठीक है चलो जी ये देखिए जी साइड को चेंज कर लिया है और ये रख देते हैं जी ईंट, ये मुझे याद नहीं था जी रखना। हाँ जी क्या बना रही हैं आप आज? ये टिक्कियां हैं, ये बन रहे हैं कबाब। कौन से? आलू कीमे वाले।
आलू कीमे वाले कटलेट्स हैं, कबाब हैं, जो मर्जी नाम दे दो, जो मर्जी बना ले है तो कीमा ना इसके अंदर, आलू डाला है, प्याज डाला है, तो आपको जायका चाहिए ना। पकाएंगे इसको है जी, अंदर से कच्चे ना रहे। अच्छा जी, सही काज के पकाएंगे। ओके बॉस, अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम काफी है। हाँ जी, चले तो अभी देखे ना, काफी पड़े हुए हैं, फ्राई भी होने वाले हैं, टाइम लग जाना है जनाब। तो थोड़ी सी अफ्तारी है ना, ये एक दो चीजें ही है, ये भी बड़ी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये भी बहुत ज्यादा है, साथ है। खाती है ना, हर चीज होनी चाहिए, फिर आप खाती है। शरबत बनाना? हाँ जी, शरबत तो आज बनेगा है बाजी, धुपने के लिए गर्मी लगती है। अच्छा चलो सही है, ठीक है जी। आप इसको निकालने लगे हैं जी, और ये देखें जी इनका कलर माशाल्लाह जी रेड रेड हो चुका है, और ये हमारे जी पककर तैयार है। अब इनको जी अपने कबाबों को निकाल लेते हैं। ये और ये जी डालने लगे हैं जी, अब दूसरी दफा ये जी आप दूसरी दफ़ा के कबाब डाली हैं, तो अब इनको जी 2 मिनट तक बाजी पकाना है एक साइड से, और 2 मिनट तक जी दूसरी साइड से, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जी कबाब को पकाना है। तो ये हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अब जी ये इसकी साइड चेंज करेंगे, 2 मिनट हो चुके हैं जी इसको फ्राई होते हुए। और ये देखिए जी दूसरी दफ़ा के भी जी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं, इनको जी इधर निकालने लगी है बाजी। हाँ चलिए जी, ये देखिए जी माशाल्लाह, और ये देखिए जी अब ये हमारे कबाब ये भी तैयार हो गए हैं। और ये देखें जी ये हमारे जी इधर कबाब बांधे हैं, और टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो साथ साथ जी इधर बना रही है मलाइका शरबत। जी जामे खीरी बनेगा, रूह अफजा बनेगा जी इधर। ये देखें जी 2 गिलास भी रखे हैं आज, क्यों हैं? अच्छा ये देखें जी बच्चे ने अपने गिलास भी रखने हैं, इसमें डाल के पीने हैं उन्होंने। जी जामे शीरी जी हमारा तैयार है, और इधर जी हस्बैंड साहब लेटे हुए हैं। अभी रोज़ा लग रहा है आपको लगता है? आज तो बहुत लग रहा है। आज तो रोज़ा बहुत लग रहा है, बहुत लग रहा है। शरबत बन गया ना आपके पसंद का जामे शीरी? इनको जी जामे शीरी बहुत पसंद है, अभी शुरू हुआ, पहले तो नहीं था पता। अभी वो चक्कर लगाया ना आपने बार बार, वो बाइक पे बाजार गए हैं, सुबह से फिर रहा हूँ मैं। हाँ जी, पहले आपको छोड़ के आया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, वो सारे काम करके 12 बजे आए हैं वहाँ से, फिर आप इरमा को छोड़ के आया, फिर आपको ले के आया। काफी चक्कर जी इनके लगते रहते हैं दिन में, कभी मुझे छोड़ने जाते हैं, कभी इरमा को, गया हूं, लड़का को लेके असाइनमेंट जमा करवाइए, फिर चले। अब थोड़ा ही टाइम रह गया, ठीक है। ये देखिए जी हमारे माशाल्लाह कबाब जी तैयार हो रहे हैं, झटपट जल्दी निकालें जी।
और ये देखे जी चूल्हे को बंद कर दिया और हमारे कबाब जो है वो तैयार हो गए। चले जी और अब जी यहाँ से चूल्हा वगैरह हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं दस्तरखान। ठीक है भाजी, तो चूल्हा जी हमने इस साइड पे कर लिया और इसमें मैंने रख दिया जी आलू मटर वाला सालन। सालन जी हमारा गर्म होता है तो हम अपनी चटाई बिछाते हैं अफ्तारी के लिए। बस यहाँ पे लगाते हैं जी चटाई और सारी चीजें जी रखते हैं ऊपर क्योंकि टाइम जो है वो नजदीक आ चुका है जी। पंद्रह मिनट रह गए हैं। फ्रूट इसकी कटिंग करेंगे इधर बैठ कर। ये है जी हमारा कस्टर्ड, ये जी कल हस्बैंड साहब ने स्पेशल बनवाया था। तीन डोगे बने थे, दो खा लिए थे, एक बच गया था, आज ये काम आ जाएगा। और ये है जी खजूरें, थोड़ी सी और रखेंगे इसमें थोड़ी है जी। ये है जी और ये है जी रायता बनने वाला है अभी, दही है इसमें बाजी डाले चटनी। चलें जी चटनी बना लेते हैं जी जल्दी। हमारा रायता जी तैयार हो गया, इसमें जी हमने लहसुन सब्ज मिर्चें और धनिया पुदीना डाला हुआ है ग्राइंड, इसको भी जी रखते हैं उधर दस्तरखान पर। और ये देखें जी 6:01 हो चुका है और सूरज जो है वो देखें गुरूब हो चुका है जी इधर। ये देखें जी रोज़ा जी अफ्तार होने वाला तकरीबन 10 मिनट रह गया है जी। और ये है जी खरबूजा, बाजी मीना आ गई है जी जल्दी जल्दी जी सारे आप दस्तरखान पर बैठेंगे जी। ये भाई जी ख़त्म पड़ेंगे जल्दी जल्दी। जी चावल अब इनको भी रखते हैं जी इस तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह चावलों को ज़बरदस्त दम लगा हुआ है। और ये हैं जी चावल माशाल्लाह है, अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त हमारा जी मटर पुलाव बना है, अब तो खिला रो। ये देखिए जी खिले खिले माशाल्लाह चावल बने हैं जी मटर पुलाव। और ये देखिए जी माशाल्लाह मटर पुलाव ज़बरदस्त जी बना है। चले जी डालते जाएं जी अब। और ये देखे जी ये भी हमने 3 प्लेटें जी डाल ली हैं चावलों की, क्योंकि कुछ लोग चावल खाने और कुछ कह रहे नहीं खाने। ठीक है चले जी ना खाएं ना खा लें, हाँ बाकी बाद में जी गरम गरम खाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त जी खुशबू आ रही है मटर पुलाव से। और ये जी देखें हमने मटर पुलाव डाल लिया है 4 प्लेटों में, 4 प्लेटों में जी डाल लिया है। और ये जी अब डालेंगे कबाब, कबाब जी रखेंगे चावलों के ऊपर। ये जी रेसिपी सालन की यही हमारी बनी हुई है। ये देखें जी ये जो मटर पुलाव जी हमने डाला है प्लेटों में, इसके ऊपर जी हमने कबाब रख लिए हैं और साथ जी होगा रायता।
बहुत जबरदस्त बने चावल, मजा आ गया। कबाब कैसे बने? कबाब भी मजा आ गया। कबाब भी माशाल्लाह देखिए जी बहुत जबरदस्त लुक आई है, वैसे भी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं चावलों के साथ ही खाऊंगी और साथ रायता खा रहे हैं आलू मटर वाला। ये लेके जी हमारे कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं जी, और चावलों के साथ जी टेस्ट करते हैं कैसे बने। आपने टेस्ट किया? बहुत मजेदार। बहुत मजेदार है जी माशाल्लाह। आपने नहीं खाया था? मुझे फील पड़ गया। अरे मैं बीमार था लेकिन अभी रोज़ दो रखे हैं तो अभी वे अब लेजर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए लीजर बैठ के खाना खा रहा हूँ। हाँ जी, नीचे जी कमेंट्स आए हुए थे कि भाई ने जी रोज़े क्यों रखे हैं, ये इतने वीक हैं, ये खामोश रहते हैं, तो आप बताए ना आप खामोश क्यों रहते हैं जी? नहीं। आप परेशान हैं? नहीं। देखे जी बोलते हैं व्यूअर्स कह रहे थे जी भाई बोलते नहीं है, अभी उन्होंने जी आपको बोल के दिखाया ये माशाल्लाह ठीक है जी। वैसे जी हम बिजी होते हैं इधर, तो वो फिर अंदर होते हैं, रोजा होता है तो सारे जी अपने अपने काम में लगे होते हैं। रमजान के बाद तो भी बस अफ्तारी जी सबने कर ली है और अब जी खाना खा रहे हैं, तो अभी अभी जी जाने हुई है क्योंकि चावल है जी हल्के फुल्के सारे कह रहे हैं चावल खा रहे थे नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जी इजाज़त चाहेंगे आपसे और उम्मीद है कि आपको आज के हमारे ये जो अफ्तारी है जी जरूर पसंद आएगी। शाम की अफ्तारी होती है, सुबह की तो सहरी होती है। अफ्तारी होती है। हाँ जी, जरूर पसंद आई होगी जी हमारी रूटीन। तो अगर आपको जी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हमारे जितने भी भाई दोस्त लोग हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं जो नहीं कर रहे सब फिर से पहले ज्यादा बनवाए सबको से तो सबसे पहले जी इतनी अच्छी अफ्तारी करने पा जी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते शुक्र अल्लाह शुक्र इजाजत लें। हाँ जी इजाजत लें। व्यूअर्स हमें इजाजत दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हमने जी खाना भी खा लिया है और नमाज भी पढ़ ली है, तो अब ये जी हमारा रह गया था कस्टर्ड। ये देखिए जी ये कल बनाया था जी फ्रेश, तो ये अब जी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और ये देखिए जी हमारे कबाब अभी तक पड़े हुए हैं, और ये जी हमें कल के लिए काफी है। और चावल दिखाए बारी कितने पड़े हैं, चावल भी दो प्लेट है। चावल भी जी हम कल नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ जी कोई और चीज बना रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जी कस्टर्ड खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस आप खाएंगे जी केक और आपको बताते हैं जी केक कैसा बना था। कस्टर्ड जी सारे केक कह रहे थे जी हमने वो केक लाना है तो हमने कस्टर्ड बना लिया था, मेरे मुंह से इसलिए जी केक निकल रहा है। वो देखिए जी हमारी बिल्ली भी आ गई है, मानो वॉशरूम जा रही मुंह धोने। देखिए जी हमारा कस्टर्ड बहुत मजेदार बना है जी, उसने जी दावत वाले दिन बनाया था तो हस्बैंड साहब ने जी कल दोबारा बनवाया, कहते हैं बहुत टेस्टी बना था, फिर जी मलाइका ने दोबारा बनाया था, बहुत मजेदार है जी माशाल्लाह।